नमस्कार, मैं अंजलि सिंहवाल और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इन दिनों भगवान की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले जोड़ा वृंदावन गया था और अब टेस्ट सीरीज से पहले दोनों ऋषिकेश पहुंच गए हैं। इस बीच अनुष्का की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अनुष्का शर्मा ने अपनी लेटेस्ट तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। तस्वीर में अनुष्का सुबह सुबह नदी किनारे बैठी ध्यान लगाते हुए नजर आ रही हैं। पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, आप देख नहीं सकते लेकिन यह बिल्कुल परफेक्ट है, नीम करोली बाबा। तस्वीर में कड़ाके की ठंड में भी अनुष्का ऋषिकेश पहुंच तप करती दिखाई दे रही है। वो महज एक टी शर्ट में दिख रही है। इसके साथ ही अनुष्का ने पहाड़ पर ट्रैकिंग के दौरान की तस्वीरें भी शेयर की हैं। फोटो में अनुष्का शर्मा अपनी फैमिली विराट और वामिका संग पहाड़ों में ट्रैकिंग करती दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों के साथ अभिनेत्री ने लिखा, पहाड़ों में पहाड़ और ऊपर कोई नहीं। बता दें, कपल शीशम झाड़ी स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के आश्रम पहुंचा। सोमवार शाम करीब 5 बजे विराट, अनुष्का और उनकी माँ सरोज आश्रम पहुंचे। इसके बाद विराट ने परिवार सहित आश्रम स्थित भगवान शिव के मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना की। दोनों ने करीब 20 मिनट तक वहां ध्यान लगाया। शाम को परिवार ने घाट पर संध्याकालीन गंगा आरती भी की। बता दें कि स्वामी दयानंद आश्रम में इससे पहले सुपरस्टार रजनीकांत समेत कई अभिनेता और राजनीति से जुड़े लोग समाधि स्थल के दर्शन के लिए आ चुके हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु थे। उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ आए थे। बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हो गए।